ऑब्जर्वेशन लिखने में बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ता है। एक आध नंबर अगर लिखना भूल गए या अलग लिख दिया तो आंसर हमारा नहीं आता, इसे चेक कर लेना पड़ता है। इसको 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20 ओके। यहाँ पर हमें 15 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क दिए हैं आउट ऑफ 25, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 टोटल मार्क्स में से इतने मार्क्स 15 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो हमें अब क्या फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। Find the mode and median of this data. What are they same? Okay, दिए हुए observation में ऐसे 3.1 में भी इस तरह का समझा। Observation one time दिए हुए होते थे पर हमें मीन मोड मीडियन बहुत सारी चीज़ें एक ही ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके फाइंड करनी होती थी, ओके। तो हमें यहाँ जो 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं मैथ्स के, तो उसमें से हमें मोड और मीडियन दो चीज़ें फाइंड करनी है। और ऐसा कहा कि आर दे सेम, मतलब मोड और मीडियन दोनों का आंसर सेम आता है, तो वो तो जब हम फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मोड और मीडियन दोनों में हमें एसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ मीन हो तो ही हमें दिए हुए ऑब्जर्वेशन को एसेंडिंग में कन्वर्ट नहीं करना। बाकी मोड रेंज और मीडियन तीनों में हमें दिए हुए ऑब्जर्वेशन को एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। कम मार्क्स में से सिंगल डिजिट के मार्क्स 5, 8, 9, ओके। 1 डिजिट के हो गए, अब 2 डिजिट के 11 नहीं है, 12 है, 12 फिर 15, 16,
पहले आएगा, सबसे पहले आएगा फाइन पट्टी करते जाओ, फिर है नाइन, नाइन को कट कर दो, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन, सिक्सटीन एंड नाइनटीन, फिफ्टीन सिक्सटीन एंड नाइनटीन, फिर ट्वेंटी। अब ट्वेंटी दो बार है, तीन बार है, ट्वेंटी थ्री टाइम्स है, तो थ्री टाइम लिखेंगे। ओके, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन नहीं है, ट्वेंटी टू नहीं है, ट्वेंटी थ्री है, ट्वेंटी थ्री, फिर ट्वेंटी फोर, फिर ट्वेंटी फाइव टू टाइम है, तो ट्वेंटी फाइव को हम टू टाइम लिखेंगे। ओके, अब कौन सा रहा, एक नंबर रहा ओनली, थर्टी। अब हम काउंट करेंगे ये सारे ऑब्जर्वेशन, फिफ्टीन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड, मोड कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ट्वेंटी नंबर, ट्वेंटी नंबर थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड आएगा इसका ट्वेंटी। अब मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए क्या मैंने बताया था कि टोटल फ्रीक्वेंसी है फिफ्टीन, फिफ्टीन में से वन माइनस कर दो तो फोर्टीन, फोर्टीन के दो ग्रुप बना दो, सेवन सेवन के ग्रुप बनेंगे तो बीच वाला नंबर, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन के बाद वाला नंबर, एट वाला नंबर कौन सा आया, ट्वेंटी, तो मीडियन पी है ट्वेंटी। अब देखो मोड भी आया ट्वेंटी और मीडियन भी आया ट्वेंटी, हमें आप पूछा हुआ ही आर दे सेम, तो लिखेंगे यस दे आर सेम। ओके, यस दे आर सेम। और बड़ा सम है, देखो बड़ा तो नहीं है पर ये कैलकुलेशन परफेक्टली करनी पड़ती है, एक ही नंबर रह जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इतने सारे फिफ्टीन नंबर्स हैं, तो जो जो नंबर्स हम लेते जाएंगे उन पर कट मार्क लगाते जाएंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू है हमारी, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय इलेवन प्लेयर्स इज एज फॉलो, इलेवन प्लेयर ने जो क्रिकेट मैच खेली थी तो इलेवन प्लेयर के रन्स हमें दिए हैं, तो कितने इलेवन ऑब्जर्वेशन दिए हुए होंगे हमें, क्या फाइंड करना है, फाइंड मीड मोड मीडियन, फाइंड मीड मोड मीडियन, द थ्री सेम कि यहाँ हमें इलेवन प्लेयर्स के रन्स दिए हुए हैं, वन टू थ्री फोर।
करना है मीन, मोड एंड मीडियम। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। ये सबका हम प्लस कर देंगे, 6 + 15 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ देखो सिंगल डिजिट नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है, तो हम सबको स्टैंडिंग कर देंगे तो मिस्टेक ना हो। ओके, 6, 3, 15, 20 और 50 को मैं मिक्स करके लिख लूँ, 170। ओके, फिर 180 का 180 के ऑब्जर्वेशन कम हो जाए तो, और 25 मैंने एडिशन किससे ने किया, ये दो दो ऑब्जर्वेशन है ना, तो उनका प्लस ही डायरेक्ट लिख दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो गए और उससे नंबर टोटल ही हमारा सेम ही आएगा जितना होगा। अब टोटल करें
थ्री नहीं 39 का आ रहा है, 39 ले जाते हैं हम गलत। फिर मोड है 15 और मीडियन है 50। ओके, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या कहा है, आर द थ्री सेम? नो, द थ्री आर नॉट सेम, क्योंकि ये जो तो सेम है, मोड एंड मीडियन सेम है बट मीन अलग है। ओके, नाउ एक्सरसाइज थ्री। एक्सरसाइज थ्री लिखें, का हमें वेट दिया है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार फिर से मैं वेट चेक कर लेती हूँ, 38 42 35 37 55 50 32 43 43 40 36 38 43 38 एंड 47। ओके, तो हमें अब क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मोड एंड मीडियन दो चीजें हमें यहाँ फाइंड करनी है। इज देयर मोर देन वन मोड, ये नंबर वन, और दूसरा इज देयर मोर मोड, इज देयर मोर मोड देन वन, मतलब कि क्या एक से ज्यादा मोड आपको दिए हुए हैं? ओके, द वेट ऑफ 15 चिल्ड्रंस आर, 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया है तो यहाँ 15 बार दिया होगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड के लिए हमें सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो वेट दिए है, वो सारे वेट को हमें एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़े। ओके, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 की लाइन में कोई नहीं, ओके 3 की लाइन में है, तो 3 32 32, फिर 35 36। ओके, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32। ये देखने में बहुत ही केयरफुली आपको देखना पड़ता है, थोड़ा भी जल्दी लो एक आध ऑब्जर्वेशन स्कीप हो गया तो सब मीन मोड मीडियन रेंज सारे सब आपके गलत हो सकते हैं। तो अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरे सबसे छोटा है 32, 35 36, अब 3 की लाइन में कौन सा है, 38 वन टाइम, 38
38 टोटल हमें 3 टाइम दिया है। ओके अब 38 के बाद सॉरी देखो यार 37 हमारे रह गया है, तो 36 के बाद 37 और फिर 38 देखो 37 रह गया था, है ना। फिर से देख रहे थे कुछ रहना चाहिए 32 वन टाइम, फिर 35 वन टाइम, फिर 36 वन टाइम, 37 वन टाइम, अब 38 1 2 3 38 3 टाइम है। ओके अब 38 के बाद पड़ा कौन सा है 39 3 की लाइन पड़ा कोई भी नहीं, तो 40 आएगा डायरेक्ट 40 आफ्टर 41 नहीं है 42 है 42 कितनी टाइम है 42 ओनली वन टाइम 42 के बाद आएगा 43 कितनी टाइम दिया है 43 1 2 3 43 43 43 43 ओके 43 3 टाइम्स दिया है। फिर 45 47 and 50 47 and 50 ओके सारे ऑब्जर्वेशन हमने एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हमें अब यहाँ ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला वेट है वो सबसे कम वेट है और सबसे लास्ट में वो सबसे ज़्यादा वेट है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर मोड मोड फाइंड करना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वन टाइम 38 3 टाइम और 43 भी 3 टाइम 38 एंड 43 दो नंबर ज़्यादा बार सेम टाइम रिपीट हुए हैं कितने टाइम 3 टाइम तो मोड आएगा 38 एंड 43 बिकॉज 38 and 43 बोथ आर रिपीटेड 3 टाइम्स ओके बोथ नंबर्स 38 and 43 बोथ नंबर्स आर मोड जरूर नहीं कि कोई एक ही मोड हो आपका दो मोड तीन मोड हो सकते हैं पर वो सेम होने चाहिए कि अगर यहाँ पर 38 3 टाइम है और 43 टू टाइम होता तो हम 43 को मोड में काउंट नहीं करते ओके पर यहाँ हमने रीज़न भी लिख दिया कि मोड हमारे हैं 38 and 43 बिकॉज 38 and 43 बोथ आर रिपीटेड 3 टाइम्स ओके अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था इज देयर मोर मोड देन वन मोड यस कि मोड हमारे एक से ज़्यादा मिले कितने मोड मिले हमें 2 मोड मिले 2 नंबर सेम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों को हम मोड कह देंगे ओके अभी ये चैप्टर के ऑलमोस्ट सब हमारा कंप्लीट हो गया मैं आपको सारी फॉर्मूलाज वन टाइम डिवाइस करवा दें तो ये चैप्टर में फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज है
फर्स्ट नंबर है मीन, जिसकी फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का दूसरा नाम है एवरेज। ओके, फिर है मोड। मोड के लिए आप याद रखो रिपीट, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो है हमारा मोड। फिर थर्ड है मीडियन। मीडियन मतलब मिडल नंबर। सारे ऑब्जर्वेशन में से जो मिडल नंबर है वो है हमारा मीडियन। और लास्ट है रेंज। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ ये जो तीन चीजें आप फाइंड करोगे जब भी मोड मीडियन और रेंज, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है। असेंडिंग ऑर्डर, ओके, यू मस्ट हैव टू अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टू असेंडिंग ऑर्डर। और जब आपको मीन फाइंड करना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर का रिवीजन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे कोई चैप्टर